टर्किश लावा पिज़्ज़ा आप देख सकते हो, इस वक्त नंबर भी दिया हुआ है, और अगर आप लोग होम डिलीवरी करवाना चाहते हो तो भी आपको नंबर दिया हुआ है, आप लोग मंगवा सकते हो। बहुत टेस्टी यम्मी न्यू फ्लेवर्स इन्होंने ट्राई करवाए हैं और इंट्रोड्यूस करवाए हैं, आप लोग भी इंजॉय कर सकते हो। मैं तो इंजॉय कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो। तो जी यहाँ पर हम आए हैं गुलशन में नूरानी फूड्स पर, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है बिरयानी, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। तो अभी हम गुलशन में आए हुए हैं नूरानी फूड्स पे, जहाँ की बिरयानी बहुत टेस्टी है, मुझे यकीन नहीं आया बिरयानी देख के। अरे कहना क्या चाहते हो, और मिनटों में साफ हो गई थी, आप लोग भी विजिट कर सकते हो। कराची की बिरयानी लग नहीं रही थी कि ये कराची की बिरयानी है। अच्छा अब हम गए हैं हुसैनाबाद की एक स्ट्रीट में, जो कि तबा हाट के ही सामने स्ट्रीट है, और वहाँ गए हैं लावा टर्किश लावा पिज़्ज़ा। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से लावा पिज़्ज़ा जो है रेडी किया जाता है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा अपनी फैमिली से भी शेयर करूँ, तो आप भी देख सकते हो। अच्छा ये सब स्मॉल साइज़ के, अच्छा रेगुलर लावा है ये, बनाए ना मैं देखूं। अच्छा ये अभी ऑर्डर आया है जी, माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पर जो है ये लावा रेडी कर रहे हैं, ये क्या ऐड कर रहे हैं भैया आप? एलोपिनो। एलोपिनो बता दिया। अच्छा ये क्या है? ये ऑलिव्स है। ये ऑलिव्स ऐड कर रहे हैं इसमें। अच्छा जो अभी हमने सर्व किया था जी, वो स्मॉल था या रेगुलर था? वो रेगुलर था। अच्छा तो स्मॉल का साइज इससे भी छोटा होता है? स्मॉल का नहीं होता, होता ही नहीं है, रेगुलर होता है और लार्ज। अच्छा तो जी आपको नई बात पता चली है, लावा पिज़्ज़ा जो होता है उसमें स्मॉल होता ही नहीं है, रेगुलर साइज होता है जस्ट, और लार्ज साइज होता है। इसके बाद हम भर के चीज़ डालेंगे, क्योंकि ये बहुत चीज़ी होता है। जो चीज़ लवर्स हैं वो ज़रूर इनकी जो शॉप है वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। अच्छा ये जो चिकन है ये मैरिनेट है, बॉइल है जी। अच्छा ये डिफरेंट टाइप्स की क्यों है? इसमें अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। अच्छा कुछ पिज़्ज़ा की है कुछ लावा की है। मलाई बोटी ये जो पिज़्ज़ा में फ्लेवर आते हैं, ये अच्छा। मलाई बोटी ये टिक्का ये फजीता है। ओके और इसमें क्या ऐड होगी चिकन? इसमें फजीता की चिकन। अच्छा तो जी इसमें फजीता की चिकन ऐड होगी। तो डेली आप ऐसे ही बनाते हो जी? अच्छा हो जाता है, चल जाता है सही, मतलब सब ख़त्म हो जाता है जी? जी माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। कितना टाइम लगता है एक को रेडी होने में? 15 से 20 मिनट। अच्छा बिजली से भी चल सकती है। अच्छा इनके पास आपको कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल सकती है, जो भी आपको नीड हो, जो भी आपकी फेवरेट हो। ये क्या है, इसमें चटनी भी ऐड होगी? ये पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये भी ऐड होगा जी? ये सॉस होगा। अच्छा ऐड। अच्छा ये जो रेड रेड है, ओके हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, इसमें मीट के बाद हल्की सी कुटी हुई मिर्ची जाएगी स्पाइस की। अच्छा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे अब इसमें, आप देख सकते हो अगर आपकी जितनी भी मतलब नीड हो, अगर आप ज़्यादा स्पाइस लवर हो आप बोल सकते हो, बता सकते हो, है ना जी? आप लोग बता सकते हो कि ज़्यादा स्पाइस ऐड कर दें तो ज़्यादा स्पाइस ऐड कर देंगे, वरना ये नॉर्मल ही रखते हैं। इसके बाद जाएगी चीज़ी मायो। चीज़ी मायो ऐड करेंगे। ओ वाओ लुक्स नाइस।
आएगी माइनस। कंट्रोल एंड नाउ वैसे अच्छा कवर करने के लिए सेकंड डोर जी ये देखें जी। वाओ किस खूबसूरती से ये कवर किया गया है। टाटा गुड बाय गया। अब इसको ओवन में रखना है। उनके बाहर जाएगी सॉस। वो कहाँ जाएगी? ऊपर से है। अच्छा हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। ये भाई नया कुछ है आप देख सकते हो ऊपर से भी पिज़्ज़ा सॉस ऐड हो रही है भाई। वाह वाह भाई 550 रुपए में क्या जाते हो इसके बाद ओवन करते हैं। अच्छा तो जी अभी इसको सबको भी रेडी करके ओवन रखेंगे फिर हम आपको जब ओवन से टाइम पूरा हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे कि शेक होता है किस तरह का होता है। टेस्ट को मैंने ट्राई कर लिया बहुत टेस्टी होता है। ओरिगैनो ऐड करेंगे अब हम इसमें। तो ये आपने कहाँ से सीखा होगा? मैंने पहले काम किया था इटली के हिसाब से। अच्छा अपना इधर ये रिमिक्स पीस है। अच्छा चलें दिखाते हैं आपको। पूरी दुनिया में इतने पिज़्ज़ाज़ होंगे लेकिन जैसा ये लावा बिग मैश लावा पिज़्ज़ा था टर्किश और ट्विस्टर पिज़्ज़ा था फजीता फ्लेवर था एक्सट्राइजर जो भी ये प्रोवाइड करें बहुत ही टेस्टी है। आप लोग मस्ट ट्राई करें। मैंने किया है मेरी तरफ से थम्स अप है 100% रिकमेंडेड है। आप लोग जा सकते हो इन्जॉय कर सकते हो। और ये तो भाई सुपर से ऊपर था। इसके साथ तो फ्राइज़ भी थे बहुत टेस्टी था। आप लोग प्लीज़ ज़रूर एक बार ज़रूर मेरे कहने से विज़िट कीजिएगा। जो कराची के शहरी हैं वो ज़रूर जाएँ इन्जॉय करें। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। तो जी आज हम हैं हुसैनाबाद की एक स्ट्रीट है जहाँ पे पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ है टर्किश लावा पिज़्ज़ा। तो हम आपको दिखाते हैं टर्किश लावा पिज़्ज़ा कुछ इस टाइप का होता है। अभी हमने ट्राई नहीं किया है ट्राई करके आपको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। और ये जो नॉर्मल पिज़्ज़ा होता है मतलब टिक्का फजीता उस टाइप का है और इसके साथ ये सॉसेस जो है सर्व किए गए हैं। हम ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या पोजीशन है इसकी। आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा। अच्छा ये मैंने ट्राई किया है बड़ा टेस्टी है। और ये इस तरह से फिलिंग है इसके अंदर आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें बहुत टेस्टी है। देखें जी माशाल्लाह ज़िंदगी में पहली दफ़ा आज मैं अपने मियाँ जी को भी खाते हुए देख रही हूँ पिज़्ज़ा। तो क्या कहना चाहेंगे कैसा है यहाँ का पिज़्ज़ा? ज़बरदस्त ज़बरदस्त है बहुत। अच्छा
बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नहीं, आप लोग भी आइए क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई पिज्ज़ा पसंद नहीं आता। मैंने माशाल्लाह इतने साल हो गए शादी को, कभी पिज़्ज़ा इनको खाते हुए नहीं देखा है और आज पहली दफ़ा इनको देखा है। तो आप लोग ये देखिए, और मिनटों में साफ़ हो चुका है। लावा बहुत स्पेशल था, वो ख़त्म हो चुका है। और ये था वजीता जो कि थोड़ा सा बचा है क्योंकि हम बस खा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग ज़रूर आइए और विज़िट कीजिए, बहुत टेस्टी है। प्राइस मुझे पता नहीं है, अभी मैं पूछती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अच्छा, ये इनका मेन्यू कार्ड है, टर्किश लावा पिज़्ज़ा है ये। और आप देख सकते हो स्मॉल जो है 230 रुपीज़ का है रेगुलर, जो लावा पिज़्ज़ा है वो रेगुलर 550 का है, लार्ज 750 का है। पिज़्ज़ा उसके ये प्राइस है 450, 650। और टर्किश सैंडविच है 400, 550। सिंगल बर्गर 500, 600 ये आप देख सकते हो, मतलब सिंगल तो 250 का है। ये इस तरह से इनका कोई मेन्यू दिया हुआ है। एड्रेस इन्होंने, ये आप देख सकते हो, एड्रेस है शॉप नंबर 19 एट नूरी मस्जिद नियर टबाहट हॉस्पिटल। आप देख सकते हो फेडरल बी एरिया कराची, नंबर भी दिए हुए हैं, आप लोग कॉल कर सकते हो। और ये आप देख सकते हैं, प्राइजेस थोड़े से बढ़ चुके हैं, जैसे कि महंगाई आपको पता है हर चीज़ बढ़ चुकी है, तो इन्होंने भी अपने बढ़े हुए प्राइस मेंशन कर दिए हैं। पहले कुछ और थे और अब कुछ और हैं। तो आप लोग ज़रूर आओ, बहुत टेस्टी है, आप लोगों को आई एम श्योर बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो।